आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आइए अब एक ऐसे शायर को आवाज देने जा रहे हैं जो हाफिज भी है, मौलवी भी है, शायर भी है। ये तीन चीजें हैं। हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही, और नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा ये कहानी फिर सही। माइक पर इमानतुल्लाह इस उभरता हुआ शायर बहुत खुशगुलो मुतरन्नीम अंदाज और बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। उभरते हुए आजमगढ़ के इन दिनों नात के मामलात को लेकर के नुमाइंदगी कर रहे हैं कि इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे जेड के फैजान साहब और मेहमान खसूसी हैं कुंवर जावेद साहब और तमाम लोगों की मैं दुआएं लेते हुए पेश करता हूं। मतलब खास समाज हाँ घबराओ बिल्कुल मत, सब लोग जमे हैं वैसे जम जाओ। बरस 16-17 के सिन जवानी की रातें मुरादों के दिन मौलाना हाफिज के पीछे इबलीस घूमा करते हैं कि कहां पाएं कहां दाबो, मगर ये लाहौर बिला पढ़ करके दूर भगा देते हैं। सुबह नमाज पेश करता हूँ तेरे साथ। तेरी अदाओं का आशिक हूँ मैं, तेरी अदाओं का हूँ दीवान। गुड्डू साहब भादों से तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह करे जोरे कदम और ज्यादा। चाहे खफा सारा जमाना और छोड़ के जा सकेती है मुसलते खुशियों पर नाज अच्छा नहीं है। क्या बात है, छोड़ के जा सकती है मुसलत खुशियों पर नाज अच्छा नहीं है।
छोड़ के जा सकती है मुसरते खुशियों पर नाज अच्छा नहीं है। गम है सच्चा साथी मेरा और गमों से है याराना। और मत्ते का शेर पेश करता हूँ, तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, बतौर खास समाज करेंगे इंशाअल्लाह। इज़्ज़त पकड़ लो सबर का दामन, इज़्ज़त पकड़ लो सबर का दामन, सारी दौलत इसमें है। बात है, क्या बात है, इज़्ज़त पकड़ लो सबर का दामन, सारी दौलत इसमें है। वाह, इज़्ज़त पकड़ लो सबर का दामन, इज़्ज़त पकड़ लो सबर और खजाना। बेशक बेशक, बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात।